हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपके लिए मैं बताती हूँ कि आलू के पराठे फट जाते हैं वो किस प्रकार से बनाने से नहीं फटेंगे, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। आप हम जिस तरीके से आपको बताते हैं, आप उस तरीके से आलू के पराठे को बेलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप देखिए, मैंने आटे की लोई ली हुई है। आटे को ज़्यादा सख्त ना माढ़ें, इसके डो को थोड़ा ढीला रखें, ये ज़्यादा टाइट होने पे भी पराठे फट जाते हैं। ये मैंने आटे की लोई ली है, आप इसको उसी तरीके से, नॉर्मल तरीके से, रोटी के तरीके से आप इसको गोल बेल लें। देखिए, मैं इसमें आपको आटे को किस तरीके से आपको परांठे को रेडी करना है, वो आपके लिए विस्तार पूर्वक बताती हूँ। आप पूरी वीडियो को ढंग से देखें, ताकि आपकी समझ में आए। ये मैंने पहले से ही आलू की चटनी बनाई हुई है, आप इसको इसमें देखिए, मैं खूब सारा भर रही हूँ, लेकिन मेरा परांठा फटेगा नहीं। आप थोड़ा इसको अच्छे से मैश करके बनाएं, आलू की डलियां ना हो इसमें, और आप इसको इस तरीके से बंद करें। यही तरीका होता है सबका बंद करने का। आप इसमें हल्का सा आटा लगा लें। अब आप इसको हल्के से ऊपर से इस तरीके से दो बार करें। इसके बाद आपको हाफ साइड से ही इसको बेलना है, पूरा नहीं ले जाए। देखिए, इस तरीके से इसको यहाँ से पूरा नहीं ले जाए, बेलन को पार ना निकालें परांठे के। आप इस तरीके से इसको बेलें, इसकी चटनी इसमें चारों तरफ बराबर रहेगी और ये कहीं से भी फटेगा नहीं। देखिए, पूरा परांठा रेडी हो चुका है, और किसी भी तरफ से इसमें आप कितनी भी चटनी भरें। देखिए, ये मैंने तवे पर डाल दिया है। आप इस पर अच्छे से घी लगा दें, बिल्कुल फूला हुआ, बिल्कुल लाजवाब पराठा बनेगा, देखना। देखिए, कहीं से फटा नहीं है, पूरा फूल गया है पराठा। तो इस तरीके से आप पराठे बनाएं, आप देखना, बहुत ही अच्छे। ये दोनों ही परतें इसकी अलग अलग हो जाती हैं, तो तभी आलू के पराठे टेस्टी लगते हैं, चिपके हुए पराठे अच्छे नहीं लगते। देखिए, ये पराठा बन चुका है। हमारा पराठा बनाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।